अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के स्कूल का चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। बच्चों, आज हम लोग बैचलर लेवल पे एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। ये टॉपिक हमारे पास एडीपी कॉमर्स में जो एनुअल सिस्टम है उसके पार्ट वन में है, और जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो पूछा जाता है। इस एडीपी के अलावा भी ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की क्लासेस में भी डिस्कस किया जाता है मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज़ के नाम से। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं सीक्वेंस को कि सीक्वेंस किसको कहते हैं। बेसिकली सीक्वेंस का ही अल्टरनेटिव नेम जो है वो प्रोग्रेशन है, PROGRESSION, प्रोग्रेशन। अच्छा जी, ये सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कहते किसको हैं? अरेंजमेंट ऑफ नंबर फॉर्म्ड अंडर सम डेफिनेट रूल, अरेंजमेंट ऑफ नंबर के अल्फाज की, नंबर की, डिजिट की एक तरतीब है फॉर्म्ड, और ये तरतीब बनती है अंडर सम डेफिनेट रूल्स, एक खास तरीक़ेकार के मुताबिक। जैसा कि आपके पास ये लिखा गया हो सकता है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, जैसा कि आपके पास लिखा गया हो सकता है 3, 9, 27 एंड सो ऑन। ये दोनों सीक्वेंस हैं, सीरीज नहीं इसको कह सकते। अच्छा, सीरीज में फिर क्या तरीकाकार होता है? सीरीज में बेसिकली एडिशन ऑफ अ टर्म होता है, एडिशन ऑफ अ टर्म, ठीक है जी। जैसा कि हम लोग कह सकते हैं, अगर हम सीरीज को डिफाइन करें, एडिशन ऑफ अ टर्म इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। जैसा कि अगर हम लिख दें 2 + 4 + 6 + 8, अगर ये प्लस के साइन के साथ चीज़ें आएंगी तो आप समझ जाएं कि ये सीरीज है, और अगर कामा या विदाउट एडिशन चीज़ें आएँ तो समझ जाएं कि ये सीक्वेंस है, जैसा कि 3 + 9 + 27 एंड सो ऑन। अरेंजमेंट ऑफ नंबर हो अंडर अ डेफिनेट रूल तो ये सीक्वेंस है, और एडिशन ऑफ अ टर्म इन अ सीक्वेंस हो तो हम उसको सीरीज का नाम देते हैं। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये सीक्वेंस या ये जो सीरीज़ है ये कितनी तरह की है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन या फिर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीरीज। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं। अच्छा, 3 टाइप्स में आपके पास फर्स्ट टाइप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज। सेकेंड वन आपके पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक, इसके साथ सीरीज आएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज। एंड थर्ड वन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन या फिर हार्मोनिक सीरीज। प्यारे बच्चों, जब हम ये टॉपिक को सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टर्म भी यूज़ होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं या ज्योमेट्रिक सीरीज किसको कहते हैं? हम लोग यहाँ पे अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करें तो हम लिख देंगे अ सीक्वेंस, ये एक ऐसा तरीकाकार है, एवरी टर्म ऑफ विच, जिसमें हर टर्म दूसरी टर्म में, अ सीक्वेंस एवरी टर्म ऑफ विच
आफ्टर फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म। या अगर ये समझना मुश्किल है तो आप कह सकते हैं वेयर कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स आर सेम। जैसा कि आप इस सीरीज को देखें, अगर आप फोर और टू का डिफरेंस लें तो टू आएगा, अगर सिक्स और फोर का लें तो भी टू आएगा, एट और सिक्स का लें तो भी टू आएगा, यहाँ से लें फोर एंड टू का डिफरेंस लें तो टू आएगा, टू आएगा। ये जो कॉमन डिफरेंस है, अगर तो किसी सीरीज में ये सिमिलर आ रहा है तो आप कह दें कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ये अर्थमेटिक सीरीज है। और अगर आपके पास वेयर रेशियो ऑफ टू टर्म्स आर सिमिलर, कि दो टर्म्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हर दफा कांस्टेंट रहे, ठीक है, इट इज कॉल्ड, ये कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आप यहां से देखें, अच्छा यहां पर लफ्ज आया रेशियो, रेशियो तो आप जानते हैं कि सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, नाइन डिवाइडेड बाय थ्री करें तो आंसर कितना आएगा थ्री, 27 डिवाइडेड बाय नाइन करें तो भी आंसर थ्री। तो जब दो रेशियो दो ऑब्जर्वेशन के दरमियान सिमिलर आए तो हम उसको नाम देंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस सेम आए तो हम उसको नाम देंगे अर्थमेटिक। अब आप चाहें तो इन दोनों का डिफरेंस लें, नाइन और थ्री का ये आता है सिक्स, 27 और नाइन का लें तो ये तो डिफरेंस ज़्यादा का आता है, ये तो 18 का आता है, 18 का आता है, तो हम ये नहीं कह सकते थे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर दोनों का डिफरेंस सिमिलर आ गया तो समझ जाएं कि ये आपके पास अर्थमेटिक है, और अगर दोनों का डिफरेंस सिमिलर ना आया, दोनों की रेशियो सिमिलर आ गई, तो आपके पास समझ जाएं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अच्छा बच्चों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे कि अभी हमारे पास ये सिलेबस में इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, हम इस वजह से भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन को डिस्कस नहीं कर रहे। अलबत्ता हमारे पास इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं जो यूज़ होंगे, जिनकी बेस के ऊपर हम लोग उसको रिकग्नाइज किया करेंगे, जैसा कि ए डॉट पी अक्सर मैं यूज़ किया करूँगा, और इसका मतलब होगा आपके पास जी कि ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज है। जी पी यूज़ हो तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक सीरीज है। ए या ए वन हो तो इसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म की। ए एन की बात हो तो इसका मतलब है मैं डिस्कस कर रहा हूँ लास्ट टर्म को। अच्छा, टर्म होता क्या है? बेसिकली जो कोई एक वैल्यू हमारे पास सीक्वेंस में है वो टर्म है। जैसा कि ये टू, ये एक टर्म है लेकिन ये फर्स्ट टर्म है, फोर ये एक टर्म है लेकिन ये सेकंड टर्म है, ये जो सिक्स है ये एक टर्म है लेकिन ये थर्ड टर्म है। तो ए एन हो तो हम लास्ट टर्म का नाम देंगे। अगर हमारे पास डी आए, ये अल्फाबेट छोटा डी जिसको हम कहते हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अगर हमारे पास एन आए तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है। जैसा कि वो कह देता है जी थर्ड टर्म सेकंड टर्म, तो एन अगर मेंशन हो तो ये बेसिकली नंबर ऑफ टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एस एन, अच्छा जी एस एन को हम लोग यूज किया करेंगे सम ऑफ सीरीज के, जो हम लोग सीरीज या सीक्वेंस या प्रोग्रेशन फाइंड करने लगे हैं उसका सम। एस एन स्टैंड फॉर सम, आर स्टैंड फॉर कॉमन रेशियो, ठीक है जी, सम ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिटी, कि ये हमारे पास जो इन्फिनिट सीरीज है उसका सम। और ये वाला साइन ग्रेटर देन का है और ये वाला साइन आपके पास लेस देन का है। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में यूज़ किए जाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास
कोई भी स्पेसिफिक टर्म को फाइंड करना हो, स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना हो लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो हम जो इसका फार्मूला अडॉप्ट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो सम या एस एन का फार्मूला लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, एन बाई टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, या एक इसमें अल्टरनेटिव फार्मूला भी हमारे पास यूज किया जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन टू ए प्लस ए एन। हम अगर बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, भाई हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने का, जैसा कि यहाँ पे है जी, स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना हो, बट ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो भी हम ए एन ही लिखेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था, लेकिन इस दफ़ा आपके पास फार्मूला होगा इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशो एन माइनस वन। ये आर की पावर होगी, ए की पावर नहीं होगी। अगर हमें कोई दो वैल्यूज के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन ऐड करना हो तो ज्योमेट्रिक मीन का जो पुराना फार्मूला है ए इंटू बी का अंडर रूट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम सम की बात करें तो हमें फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम जब एस एन फाइंड करेंगे तो पहले चेक किया करेंगे क्या हमारा आर ग्रेटर देन वन है या आर हमारा लेस देन वन है। अगर आर ग्रेटर देन वन होगा तो फार्मूले में नेगेटिव वैल्यू अवॉइड करने के लिए ए वन बाहर, आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ये तब जब आर ग्रेटर देन वन हो, रेशियो जब हम सॉल्व करें तो ग्रेटर देन वन हो। जैसा कि अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें कि इसमें हमारे पास आर थ्री है, ये ग्रेटर देन वन है, तो तब हम ये फार्मूला याद करें, इस फार्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर आर लेस देन वन हो तो फिर हम लोग एस एन के लिए फार्मूला फर्स्ट टर्म इक्वल टू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। हमारे पास कभी कभार इन्फिनिट प्रोग्रेशन भी आएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ना इन्फिनिट सीरीज भी आएगी जिसमें एन मौजूद नहीं होंगे, तो उसमें सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ऐसा करके हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ले बच्चों, ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने इस चैप्टर में आने वाले मैक्सिमम फार्मूला और मैक्सिमम चीज़ों को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम लोग हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग इस चैप्टर में से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, प्रैक्टिस बुक मैं कौन सी यूज़ करूँगा? मैं प्रैक्टिस बुक यूज़ करूँगा नाज़र हुसैन साहब की, तो उसमें आपसे गुजारिश है कि आप भी इस बुक को बाय कर लें। अगर आप इस बुक से फेमिलर नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर 03446046421 है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ ये पीडीएफ में नोट्स और विद सॉल्यूशन जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा बच्चों, इस सीरीज़ का पूरा लिंक जो है मैंने इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हो सकता है कि आपको कुछ लेक्चर जो है वो इसमें जो है वो हिडन नज़र आए, हम उन लेक्चर की अगर आप एक्सेस चाहें तो आप पेड सब्सक्रिप्शन पे वो ले सकते हैं। इस चैप्टर में मैंने इतना मटेरियल सफिशिएंट डिस्कस कर दिया है कि आप पूरी सीरीज़ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो हमें ऑनलाइन कोचिंग के तौर पर चूज़ करना चाहते हैं या वहाँ से लेक्चर बाय करना चाहते हैं, तो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रब्ता करें 03446046421। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा विद इन 24 आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।